कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं ग्रिगनार्ड की तो क्या होता है RMGX। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रिगनार्ड में जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि CO2 ऐड होता है इसमें, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। RMGX और CO2, RMGX के पास पार्शियली नेगेटिव R- है जो इस कार्बन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से O- और MgX+ में बदल जाता है। और अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो H इधर और OH इधर आ जाए। तो इस तरह से हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर आपने CO2 से रिएक्शन करवाई तो सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से अगर आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करवाया, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो डाइथायोनिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। और अगर आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से करवाई फॉलोड बाय H3O+ तो इस तरह से एक सल्फोनिक एसिड टाइप का कंपाउंड मिलता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड भी बन सकता है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह का। विद ऑक्सीजन तो ROH बनता है। ग्रिगनार्ड में जितने कार्बन होंगे उस पर OH लगा देना है। इस मेथड से मिथेनॉल भी बन सकता है, याद है ना, मैं हम लोग कई बार से लिखते आ रहे थे कि मिथेनॉल इस मेथड से नहीं बन पा रहा है, यहां मिथेनॉल भी बन सकता है। पहले जरा मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो ग्रिगनार्ड का R- एक O पर अटैक करके इस तरह की एक सिचुएशन में चला जाता है। यहां पर चिलेशन होता है, चिलेशन का मतलब हाँ इस तरह का एक रिंग बनता है जिसमें कि मैग्नीशियम के पास वैकेंट डी है ना, तो ऑक्सीजन यही अटैक करता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटता है क्योंकि परॉक्सी लिंक तो वैसे ही वीक होता है, ठीक है ना। तो चिलेशन की वजह से ये बॉन्ड टूटता है तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो ग्रिगनार्ड का एक और मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर लेता है इसमें। तो आप देखो RO-MgX दो मोल RO-MgX के बन जाते हैं और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन का याद रखना आवश्यक नहीं है, रिजल्ट याद रहे तो भी काम हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप करना जरा ना।
इससे मिथेनॉल भी बनाया जा सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑलमोस्ट किसी भी तरह का कंपाउंड बनाया जा सकता है। इट इज वेरी वेरी वर्सटाइल रिएजेंट। कोई भी अल्कोहल आप बना सकते हो, एलिफैटिक, एरोमैटिक, साइक्लिक, असाइक्लिक। यार पूरा करो इसको। इथेनॉल, एनप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, फिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, ऑलमोस्ट एनी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ जीआर विद एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड से जब जीआर की रिएक्शन होती है तो कीटोन बनता है। ठीक है ना। जैसे अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किसी साइनाइड से करवाई जाए और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो एक कीटोन बन जाता है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। आप मुझे जरा बताएं, अगर ग्रिग्नार्ड का R- इस कंपाउंड पर अटैक करने वाला है तो कौन सी जगह पे अटैक करेगा? कार्बन पे। क्या बेटा? तो ये N- बन जाना है तो क्या होगा बोलो? R- इधर R, ये डबल बॉन्ड N- और MgX+, ये तो बनेगा अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? R- CR और डबल बॉन्ड NH और MgOHX बाहर हो जाएगा। ये इमीन है। इमीन जो है ना ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, टॉटोमेराइज हो जाता है। आपको पता है इन से इमीन से इनामीन बन जाता है। ठीक है ना बासवन भाई? तो H3O+ इस पर वापस अटैक करता है, सॉरी H2O, H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बना लेगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा भाई? आर आर डैश ओ एच यहां पर, सिंगल बॉन्ड NH2 यहां पर। एक ही कार्बन पर जब OH और NH2 हो तो या तो H2O निकलता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, या फिर अमोनिया निकलता है और रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड की ओर चली जाती है। तो अगर ये H+ निकले तो अमोनिया बाहर हो जाएगी और साथ में बन जाएगा कीटोन। सी डबल बॉन्ड O के बनने से मॉलिक्यूल को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा ओवरऑल। ओवरऑल आपको क्या करना है बताओ? इस N को हटाकर कीटोन बना देना है R और C को लेकर, ये तो करना है ना। जैसे मुझे बताओ, अगर मान लो हमने ले लिया एमी साइनाइड और इसकी रिएक्शन हमने कराई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से फॉलोड बाय H3O+, तो बोलो क्या मिलेगा? एसीटोन मिल जाएगा। क्यों? एसीटोन मिल जाएगा। चलो पूरा करो, ईटी साइनाइड से कराई तो क्या मिलेगा? आइसोप्रोपाइल साइनाइड है तो इससे क्या मिलेगा? एचसीएन है तो क्या मिलेगा? पीएचसीएन है तो क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी करो, जरा मुझे गाइड कर दो, क्या मिला यहां बताओ? क्या ये इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा?
आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, क्यों इसमें क्या हो जाएगा बोलो? बोलो बोलो, नहीं गलत, ये एसिडिक एच है, तो यहां से मीथेन निकल जानी है। आपको ग्रिगनार्ड की एसिडिक एच के साथ रिएक्शन सबसे पहले बताया था, उसमें ये आया था। इसमें क्या मिल जाएगा? पीएच सीओ एम ई, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। एल्डिहाइड नहीं बनेगा एचसीएन से। एक नोट लिख देता हूं, बी प्रिपेयर्ड इफ इट हैज एसिडिक एच और एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप ऑफ अनसेचुरेशन। और सी एक्स बॉन्ड मैं बताना चाहता हूं कि मान लो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड जिस पर OH भी लगा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि भाई मैग्नीशियम और ईथर डालकर इसमें हम ग्रिगनार्ड बना लें यहां पर, तो ग्रिगनार्ड तो बन जाएगा MgCl, लेकिन ये ग्रिगनार्ड स्टेबल नहीं होगा। क्यों बोलो? क्योंकि इसके पास खुद ही निगेटिव चार्ज है और एसिडिक एच है, ठीक है ना। तो ये एक अनस्टेबल ग्रिगनार्ड बनेगा, अनस्टेबल ग्रिगनार्ड बनेगा और ये तुरंत ही अपना एच प्लस लेकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्रिगनार्ड के खुद के पास ही अगर H प्लस है, जिस एल्काइल हैलाइड से आप ग्रिगनार्ड बनाने जा रहे हो, अगर उस एल्काइल हैलाइड पर खुद का अपना एक एसिडिक एच है, तो ग्रिगनार्ड उसी को लेकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ ग्रिगनार्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड, कैन नॉट बी स्टेबल, बिकॉज इट हैज एसिडिक एच ऑन इट्स ओन, ठीक है ना। या फिर मान लो आपने ग्रिगनार्ड ऐसा बनाने की कोशिश की, ये ब्रोमो है और यहां आप ग्रिगनार्ड बनाना चाहते हो, लेकिन इसके पास ही सी एच सी डबल बॉन्ड ओ भी है, अनसेचुरेशन है। चलो आपने ग्रिगनार्ड बनाया एमजी और ईथर लेकर, जैसे ही आपने ग्रिगनार्ड बनाया एमजी और बीआर, ये बन गया। बोलो ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ? तो क्या ये ग्रिगनार्ड तुरंत ही इसी पॉजिटिव सेंटर पर अटैक नहीं कर लेगा? क्यों? तो कितने मेंबर्स की रिंग बन जाएगी बोलो? 1 2 3 4 5, तो एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और जिसमें एक O माइनस होगा और MgBr प्लस यहां इसको काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो ये अनस्टेबल ग्रिगनार्ड बना है। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि ग्रिगनार्ड स्टेबल नहीं हो सकता अगर उसके खुद के पास एसिडिक एच हो या एक्स डबल बॉन्ड वाई जैसा अनसेचुरेशन हो या फिर सी एक्स बॉन्ड हो। और वो भी देख लेते हैं, तो बनाता हूं मोनो जीआर मोनो ग्रिगनार्ड इज नॉट पॉसिबल विद डाईहैलाइड। मोनो जीआर इज नॉट पॉसिबल विद डाईहैलाइड्स, यानी कि किसी कंपाउंड के पास दो हैलोजन्स हैं और आप चाहते हैं कि किसी एक जगह जीआर बना दें, तो वो संभव नहीं होगा। बोलो क्यों? मान लो आपने यहां पर एक्स लिया और यहां पर एक्स लिया और आप मैग्नीशियम का वन इक्विवेलेंट लेकर ये चाहते हैं कि कहीं एक ही जगह पर जीआर बन जाए, तो जरा बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कोई जीआर बन के स्टेबल रह जाए? इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा,
तो क्या ये तुरंत ही इंट्रामोलिकुलर अटैक करके और साइक्लिक नहीं हो जाएगा? क्यों? साइक्लो एल्केन बनाने का ये एक बहुत अच्छा मेथड भी है वैसे, ठीक है ना. इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस बिकॉज इन केस ऑफ इंट्रा अटैक रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट. तो जीआर तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, ग्रिगनार्ड तो नहीं बना ना भाई. जो ग्रिगनार्ड आपने बनाना सोचा था वो ग्रिगनार्ड तो अनस्टेबल हो गया ना. अगर साइक्लिक एल्केन ही बनाना था तब तो कोई बात नहीं, तब तो अच्छी बात है भाई, इस मेथड से चले जाओ. लेकिन आपको साइक्लो एल्केन नहीं बनाना था, आपको मोनो ग्रिगनार्ड बना के इसको रोकना था, तो वो पॉसिबल नहीं. इस तरह का अगर कोई कंपाउंड ले ले, देखो मैग्नीशियम का वन इक्विवेलेंट लेके अगर हम करना चाहें रिएक्शन, तो बोलो अगर यहां MgI बन जाए तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा. क्यों बेटा? ये डायरेक्ट अटैक करके इसको फोर मेंबर रिंग विद डबल बॉन्ड इनसाइड बना सकता है या फिर ऐसा अटैक भी कर सकता है. देखो ये फोर मेंबर रिंग जिसमें एक डबल बॉन्ड हो उतना स्टेबल केस नहीं है, लेकिन ये ब्यूटाडाइन तो स्टेबल है ना, ठीक है ना. तो ये ग्रिगनार्ड तो अनस्टेबल है लेकिन ये एक ब्यूटाडाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. इसको देखो, बोलो अगर ग्रिगनार्ड बना तो क्या होगा? नेगेटिव यहां आएगा, वो नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड, यहां से ये इधर खिसकेगा, ये बाहर चला जाएगा. तो क्या ये क्यूमिलीन बन जाएगा? देख लो, सभी देख लें, क्यूमिलीन बन रहा है क्या? ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रह गया और दो डबल बॉन्ड तो वैसे ही आने होते हैं. इसको आप करें जरा, वन इक्विवेलेंट लिया है. बताओ अगर एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है और मैग्नीशियम केवल वन इक्विवेलेंट है जो एक ही जगह कहीं इंसर्ट हो सकता है, तो उसे प्रिफरेबली किधर इंसर्ट होना चाहिए? ब्रोमो की ओर. क्यों? क्योंकि कार्बन ब्रोमो बॉन्ड वीकर है एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरो बॉन्ड, ठीक है ना. आई के साथ और भी ज्यादा आसानी से. तो बोलो क्या हो जाएगा, बताओ? क्या यहां पर ये MgBr बन जाएगा? क्यों बेटे? तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा. ये नेगेटिव कार्बन अगर इधर अटैक करता है तो ये बॉन्ड इधर और ये Cl- बाहर हो जाएगा, इंट्रा अटैक. इस एग्जाम्पल में और सेकंड वाले एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं है, तो इस तरह का एक केस बन जाएगा. देखो ये कंपाउंड है और हमने मैग्नीशियम का वन इक्विवेलेंट लिया है, ईथर सॉल्वेंट है. आपको पता है ग्रिगनार्ड को ईथर में रखा जाता है. सबसे पहले तो ग्रिगनार्ड बन जाएगा यहां सी और आई के बीच में इंसर्ट होके. कुछ हाँ ना बोलो, बन जाएगा. तो जब ये ग्रिगनार्ड बनेगा यहां पर तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, अब मुझे एक बात बताओ, इसने इंट्रामोलिकुलर अटैक करना है, इंट्रामोलिकुलर अटैक ये कीटोन पे करे या एस्टर पे करे? कौन से वाले सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पर इसे पहला अटैक मारना चाहिए? एस्टर पे क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है, इधर से बैक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ज्यादा पॉजिटिविटी के चक्कर में इसने कीटोन पे अटैक करना है, ठीक है ना. जब ये कीटोन पे अटैक करेगा तो ये ओ माइनस बन जाएगा. बीच में बना देता हूं, कितने मेंबर्स की रिंग बनेगी बोलो?
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसको मान लेते हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सिक्स मेंबर्ड रिंग में जरा ध्यान से देखें, सिक्स मेंबर्ड रिंग में एक ओ माइनस है और इधर वन टू थ्री फोर, चार इधर कार्बन है, वन टू थ्री फोर और इस पर ओ ई टी है। अच्छा, आपने इस ओ माइनस को एच प्लस दिया नहीं, तो क्या ये वापस से यहां इंट्रा अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा? तो दो बार रिंग क्लोज हो जाएगी, क्यों? तो ये वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक सिक्स मेंबर्ड और एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। तो जरा देखें क्या ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, और ओईटी बाहर हो जाएगा, देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव और ऑक्सीजन को लेकर सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव बन जाएगी भाई। दो बार साइक्लेशन हो गया, एक बार ग्रिगनार्ड ने सी डबल बॉन्ड ओ पर अटैक किया तो सिक्स मेंबर रिंग बन गई, उस चक्कर में ओ माइनस बन गया जो एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, और इसको न्यूट्रल करने के लिए एच प्लस आपने दिया नहीं, तो ये वापस से सामने अटैक कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस कार्बन पे थोड़ी पॉजिटिविटी है और लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ है। तो दो बार इंट्रा मॉलिकुलर एस एन टू होगा और इस तरह से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरी फाइव मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन एंड एस्टर ग्रुप, सबने बनाया, ये डायरेक्ट बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। वी आर लाइक डाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं? अगर मान लो 1,6 डाई हैलाइड हो, 1,6 डाई हैलाइड को अगर हम मैग्नीशियम के एक्सेस में ट्रीट करें, मैग्नीशियम के एक्सेस में 1,6 डाई हैलाइड को ट्रीट करें, तो बारी बारी से मैग्नीशियम दोनों तरफ इंसर्ट होता है, लेकिन जब एक तरफ इंसर्ट होता है ना, ये तो अब इसको दूसरी ओर भी आना है, क्यों बेटा? जब ये एक तरफ इंसर्ट होता है तो इसको फिर दूसरी ओर भी आना होता है, उस समय इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन भी होती है। आप देखें जब ये इस स्टेज पर पहुंच गया, जब ये इस स्टेज पर पहुंच गया तो यहां से अब इसको इंट्रा मॉलिकुलर अटैक भी होगा और मैग्नीशियम का इंसर्शन भी होगा, तो दोनों रिएक्शन होती है और आप दोनों को अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि हमें डाई जी आर नाम का ये रिएजेंट भी मिलता है और साथ में हमें साइक्लोहेक्सेन, ये एक साइक्लिक एल्केन भी मिलता है। और साइक्लो प्रोडक्ट को, साइक्लो एल्केन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये हो गया डाई जी आर। या जैसे दूसरा 1,5 ले लें और मैग्नीशियम को एक्सेस में ले लें ईथर के साथ, तो 1,5 डाई जी आर मिल जाएगा और साथ में साइक्लो पेंटेन। 1,4 डाई जी आर भी ले सकते हैं। हाँ बेटा, मेजर माइनर डिसाइड करना मुश्किल है, कोई इतना कम नहीं होता कि बनी नहीं रहा या माइनर हो जाए ना। डाई जी आर इज नॉट वेरी स्टेबल एंड डाई जी आर, जब हमें डाई जी आर बनाना होता है किसी रिएक्शन में उपयोग करने के लिए, तब हम तुरंत ही बनाते हैं फ्रेशली, लाइक यू कैन नॉट प्रिपेयर एंड स्टोर इट। अगर इससे बनाना हो तो 1,4 डाई जी आर बन जाता है, लेकिन 1,3 और 1,2 से डाई जी आर नहीं बनता। अगर आपने 1,3 डाई हैलाइड लिया हो और मैग्नीशियम से ट्रीट करें तो केवल साइक्लोप्रोपेन मिलता है, और 1,2 डाई हैलाइड लिया हो जिसको आप मैग्नीशियम से ट्रीट करें तो साइक्लो अल्केन मिल जाता है, यानी कि
अगर आपको डाई जीआर चाहिए तो जो डाई हैलाइड लेना होगा वो मिनिमम कौन सा होना चाहिए? 1.4 या 1.5 या उससे भी बड़ा. 1.3 डाई जीआर और 1.2 डाई जीआर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतना नजदीक है कि ये केवल इंट्रा अटैक करने के लिए ही प्रीफर्ड होगा. ठीक है, क्लियर है? तो इन केस अगर आपको डाई जीआर बनाना है तो जो मिनिमम डाई हैलाइड आपको लेना है सबसे छोटा हुआ होगा 1.4 डाई हैलाइड. 1.3 यू कांट, 1.2 यू कैन नॉट. और डाई जीआर जो बनता है वो भी बहुत स्टेबल नहीं होता, तो जब कभी हमें किसी रिएक्शन के लिए डाई जीआर की जरूरत होती है तो हम वहां तुरंत ही बना लेते हैं और आगे उसको रिएक्शन में कंटिन्यू करा देते हैं. ठीक, ये इंट्रा अटैक हो जाएगा ना, जरा यहां लो. अगर मान लो हमें किसी एस्टर पे रिएक्शन करवानी है, यहां आर ले लेता हूं, और हमने डाई जीआर लिया है 1.4 डाई जीआर लिया है, तो आपको तो पता है, इसको इधर लिख देता हूं भाई, आपको तो पता है कि एस्टर पर ग्रिगनार्ड दो बार अटैक करता है. क्या बेटा? एस्टर पर ग्रिगनार्ड दो बार अटैक करता है, तो डाई जीआर है तो ये भी इसका एक ही मोल काम कर जाएगा. जरा देखो, पहला अटैक होगा तो ये ओईटी बाहर हो जाएगा और दूसरा अटैक होगा तो ये ओ माइनस बाहर हो जाएगा. क्यों भाई? अगर दूसरा अटैक होगा तो ये ओ माइनस बाहर हो जाएगा. तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा दें तो आपको क्या लगता है, ये एक रिंग बन रही है? जरा देखो, कितने मेंबर्स की रिंग बन रही है? 5 मेंबर्स की, जिसके एक कार्बन के ऊपर R भी है और O माइनस भी बनेगा. O माइनस का क्या होगा? OH, और ये ETO माइनस जो निकलेगा ये भी इथेनॉल बन जाएगा. तो हमने देखा कि एक 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें एल्कोहल बनेगा और साथ में ETOH भी बन जाएगा. समझ रहे हो क्या? इस रिंग में चार कार्बन तो डाई जीआर से आए और एक कार्बन एस्टर का है. एस्टर का भी कौन सा कार्बन? जो ग्रुप कार्बन है, और उसके राइट वाला हिस्सा निकल गया और लेफ्ट वाला हिस्सा वहां पड़ा रहेगा. समझ गए क्या? जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करो. CH3CO OET लिया और 5 डाई जीआर ले लेते हैं, 1.5 डाई जीआर, MgCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. बताओ कितने मेंबर्स की रिंग बन जाएगी? मैं यहां लिखता हूं, आप मुझे गाइड करना है. यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है. बोलो, पहला अटैक होगा ये है तो ओईटी बाहर, दूसरा अटैक होगा तो ओ माइनस का आपको क्या करना है? कितने मेंबर्स की रिंग? 6 मेंबर. 6 मेंबर रिंग में हमें क्या क्या मिलने वाला है? बोलो, एक OH और ये CH3. क्यों? दिस मच इज द पार्ट ऑफ एस्टर. क्यों? इट इज पार्ट ऑफ एस्टर. और साथ में इथेनॉल भी मिलेगा जो इसमें से निकल जाएगा. यही तो होगा. एक क्वेश्चन है आपके लिए. एक एस्टर है, स्ट्रक्चर नहीं मालूम, फॉर्मूला है C3H6O2. डाई जीआर से रिएक्शन होती है 1.4 डाई जीआर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. इससे मिलता है ये वाला एल्कोहल प्लस इथेनॉल. इथेनॉल को भूल जाते हैं एक बार को, ये वाला एल्कोहल मिलता है. आप इस एस्टर की स्ट्रक्चर बता दो. What is the structure of starting ester? Question समझ में आया क्या? एक ester है, molecular formula पता है. जब डाई जीआर से रिएक्शन करवाया तो ये एक साइक्लोपेंटेनॉल मिला है. ester की structure क्या होनी चाहिए? ester की कोई भी structure हो, C double bond O तो उसमें होगा ही सही, और इधर एक carbon होगा ही सही.
अब हमारे पास एक और कार्बन बच रहा है, हम राइट में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं। राइट में लगाना चाहिए, लेफ्ट में क्यों नहीं? क्योंकि लेफ्ट में अगर कार्बन होता तो यहां दिखाई पड़ता, लेकिन यहां केवल एच दिखाई पड़ रहा है। यही तो एस्टर का पार्ट है ना, और एस्टर का इतना ही पार्ट तो उसमें दिखाई पड़ता है बस, तो एक कार्बन इधर चला जाएगा। सो इट इज इथाइल फॉर्मेट। समझ में आ गई बात? इथाइल कार्बोनेट, डाइथाइल कार्बोनेट इसको बोलते हैं। बताओ अगर इसमें ग्रिगनार्ड का अटैक करवाएं, इसका नाम है डाई इथाइल कार्बोनेट, एक सिंपल ग्रिगनार्ड ले लेते हैं, आपका फेवरेट MeMgBr, एक्सेस में ले रखा है, Me माइनस का अटैक होगा, कितनी बार मिथाइल माइनस इस पर अटैक करेगा? तीन बार। पहली बार अटैक होगा तो एक ओईटी बाहर, क्यों? दूसरी बार अटैक होगा तो दूसरा ओईटी बाहर, और तीसरी बार अटैक होगा तो ये ओ माइनस बन जाएगा। तो अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस भी करवा दें तो हमें क्या मिलने वाला है बोलो? एक ही कार्बन पर तीन मिथाइल और OH, और साथ में दो मोल इथेनॉल के भी तो मिलेंगे, क्यों? एक कंपाउंड है COCl2, COCl2 को फॉस्जीन बोलते हैं। ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है जिसे केमिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इसको यूज किया गया था। नहीं, फॉस्जीन इज अ वेरी पॉइजनस गैस, इसे वार गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो फॉस्जीन जो है, इस पर अगर हम MeMgBr से रिएक्शन करवाएं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलेगा बताओ? कितनी बार ये मिथाइल माइनस अटैक करेगा? तीन बार करेगा, क्यों? पहली बार अटैक करेगा Cl माइनस बाहर, दूसरी बार अटैक करेगा ये Cl माइनस बाहर, तीसरी बार अटैक करेगा तो ये O माइनस, तो ये हो जाएगा क्या? OH प्लस MgCl2 बन जाना है आगे, ठीक है? समझ में आ रही बात? आप इसके लिए बताओ, अगर हमने ऐसा कंपाउंड लिया और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं, वन इक्विवेलेंट, दैट मींस दिस मिथाइल माइनस कैन अटैक ओनली वंस, तो निकल के कौन जाएगा? Cl माइनस या OET? क्यों? कैसे? व्हाट इज द रीजन? मिथाइल माइनस ने यहां अटैक कर लिया, कोई एक निकलेगा, अगर Cl माइनस निकलता है तो ये एक एस्टर बन जाएगा, और अगर OET निकलता है तो ये एक एसिड क्लोराइड बन जाएगा। विच शुड लीव अकॉर्डिंग टू यू? Cl माइनस लीव करेगा। Cl माइनस एक बड़े साइज का एनायन है जो ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको बताया था कि जब साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो साइज को प्रीफर किया जाता है। दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। Cl माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू O माइनस, बिकॉज Cl माइनस इज मोर स्टेबल, एंड स्टेबल एनायन आर वीकर बेसिस, एंड वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है? तो क्या बन जाएगा बताओ? देखो, जहां सारे अटैक करने हैं निकालना है वहां तो दिक्कत नहीं आती, जब जहां जहां डिसीजन लेना होता है ना वहीं पर प्रॉब्लम आती है, इन बात का ध्यान रखना। तो जरा बताओ, अगर इसी इथाइल क्लोराइड, इथाइल कार्बोनेट के ऊपर, इसी इथाइल कार्बोनेट के ऊपर हमें डाई GR का अटैक करवाना होता, समझो 1,4 डाई मैग्नीशियम क्लोराइड ले रखा है मैंने, तो आपको क्या लगता है क्या बनता? ये दोनों बार अटैक होता है इसमें, क्यों? एक बार अटैक होता तो एक OET बाहर, और दूसरा अटैक होगा था तो दूसरा OET बाहर, तो क्या बन जाता बताओ? कितने मेंबर्स की रिंग बन रही है, और ये कीटोन होता, क्यों बेटा? ये कीटोन हो जाता और दो ETO माइनस जो है वो बाहर हो जाते। समझ में आ रही है बात? तो हम इसे साइक्लिक कीटोन भी बना सकते हैं ग्रिगनार्ड से। ग्रिगनार्ड का यूज करके ऑलमोस्ट किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जा सकती है।
MEMGBR का एक्सेस पहला अटैक होगा तो ये रिंग खुल जाएगी, दूसरा अटैक होगा तो ये वाली रिंग ओपन हो जाएगी, तीसरा अटैक होगा तो ये O माइनस बन जाएगा। तो बोलो क्या हो गया, एक ही कार्बन पर तीन मिथाइल अटैक करके आए और वहां OH बन गया और दूसरी ओर क्या बन गया, ये इस तरह का OH, ठीक है ना। एक आप फिर से करें क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट अलोंग विद दिस काइंड ऑफ डाइऑल, एग्रीड और नॉट, समझ में आ रहा है। चलो देखो भाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक्सेस लिया है, दिस इज वन मोल इज टेकन, इट इज एन इमेजिनरी कंपाउंड हैविंग मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ऐसे लिख लेता हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिगनार्ड विल बी कंज्यूम। बोलो ग्रिगनार्ड के कितने मोल्स यूज हो जाएंगे इस कंपाउंड के लिए, आप ऐसे चेक करना कि कौन से ग्रुप के लिए कितने मोल यूज हो रहे हैं। हर एसिडिक एच रखने वाले के लिए एक मोल, एल्डिहाइड या कीटोन के लिए एक मोल, एसिड डेरिवेटिव्स के लिए दो मोल, और उस तरह का कोई इथाइल कार्बोनेट या इस तरह का कोई आ जाए तो तीन मोल। तो चेक करो, मैं ऐसे आपसे पूछा चलूंगा, इसके लिए कितने मोल, एक, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए एनहाइड्राइड के लिए तीन, क्यों, ये एनहाइड्राइड है, ये तो दो ही लगने हैं इसमें, एसिड डेरिवेटिव है, ये एक एसिडिक एच, ये कीटोन एल्डिहाइड एक, ये वाला इसमें तो तीन लग जाएंगे, इसमें एक और इसमें एक, काउंट करो, फिफ्टीन हो जाएगा। फिफ्टीन मोल्स ऑफ जी आर, पहला आप कोई भी कंपाउंड यूज कर ले, साथ में जी आर या डाई जी आर जरूर इस्तेमाल करें और बताएं कि आप ये सारे कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे। You understand? This is the product, right? आपको एक जी आर का इस्तेमाल करना है और एक और कंपाउंड कोई भी ले लो, इन दोनों के इस्तेमाल से ये बनाना है, तो कौन सा जी आर और कौन सा कंपाउंड ले, समझ रहे हो ना, जो मैंने लिखा है वो प्रोडक्ट है। जैसे मिथेनॉल बनाना है तो कैसे बनाओगे, बोलो बोलो बोलो, एम ई एम जी बी आर, क्यों, उसको ओ टू से रिएक्शन कराओ फॉलोड बाई एस थ्री ओ प्लस, तो बन जाएगा मिथेनॉल, इस तरह से बनाना है।
हाँ बेटा, कर लेंगे उसको, अभी उसको कर लेते हैं, इसको और नोट करते जाओ इसको। जिसमें मैग्नीशियम ईथर मिलाया तो एक कंपाउंड बना ए, इसको हमने MeOH से रिएक्शन करवाया तो ब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन। तो हाउ मेनी आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, of Rx can be used? Question समझ में आया क्या? Question ये है कि हमने एक alkyl halide लिया starting material, उसको grignard बनाया और उस grignard को H plus दे दिया alcohol से, H plus मिल गया तो butane बन गया। तो कितने Rx यूज किए जा सकते थे जिनसे यही butane बनता? How many isomers of Rx can be used for the preparation of same product? देखो एक तो यही कर सकते हैं, क्यों ये ले ले, बीच में Mg आ जाएगा, बाद में H plus आ जाएगा, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? एक तो ये हो गया, और बोलो, एक ये ले सकते हैं क्या? यहां Mg आ जाएगा, बाद में इसी पे H आ जाएगा, तो भी ब्यूटेन नहीं बनना है, और ये काइरल भी है, तो प्लस माइनस मिक्सचर, तो टोटल कितने हो गए भाई? थ्री आर एक्स कैन बी टेक, एक वन हेलो ब्यूटेन और दूसरा टू हेलो ब्यूटेन कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, सो टू आइसोमर्स आर पॉसिबल एंड एनी ऑफ देम If used as the starting material for the reaction, will give butane ultimately, N-butane. बहुत simple question था, बहुत ही simple question था। कर दोगे? इसके लिए बताओ। एक बार किया था ऐसा question, याद है क्या? एक RX लिया, magnesium ether लिया, कोई प्रोडक्ट बना है जो ग्रिगनार्ड है, बाद में हमने इसको इथेनॉल से ट्रीट करके H प्लस दे दिया तो ये बन गया मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो वही क्वेश्चन है, ऑल आइसोमर्स बताना है। क्यों? अगर यहां पर X लगा हो तो भी यही प्रोडक्ट बन जाएगा है? अगर यहां पर X लगा हो तो भी यही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर X यहां लगा हो तो कितने प्रोडक्ट होंगे? चार। ये भी कायरल है, ये भी कायरल, RR, SS, RS, SR, चार प्रोडक्ट यही हो जाएंगे। फिर अगर ये यहां पर लगा हो तो चार हो जाएंगे, क्यों? RR, SS, RS, SR कितने हो गए कुल?